अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी हमारा बहुत ही प्यारा सा वेदर आउटसाइड, आज भी मौसम बहुत अच्छा है और सनी डे बिल्कुल भी नहीं है, सूरज नहीं निकल रहा। पता नहीं क्यों अफ्रीका का वेदर इतना ज़्यादा कोल्ड होता जा रहा है। तो जी इस अच्छे से मौसम में मैं बना रही थी गाजर का हलवा, तो मैंने कहा मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। गाजर का हलवा जी हर कोई अपने अपने स्टाइल से बनाता है, मैं अपने अम्मी के तरीके से बना रही हूँ। मेरी अम्मी इस तरह बनाती थी। तो जी गाजरें ले लेनी, उनको वॉश करने के बाद, ड्राई करने के बाद आपने उसको पीसीस में कट कर लेना है। तो जी चॉपर में डाल के आपने इनको क्रश कर लेना है, इस तरह कद्दूकस जिसको बोलते हैं। वो बहुत बारीक हो जाती हैं इसमें और जल्दी टेंडर भी हो जाती हैं। ये जो चॉपर है ना, ये भी किसी ने बड़ी कमाल चीज़ बनाई है, औरतों के लिए इतनी आसानियाँ कर दी हैं इस चॉपर ने किचन में। हर किसी के किचन में ये होना ही चाहिए। तो जी ये बहुत ही अच्छा गैजेट है, ज़रूर बाय करें जिनके पास नहीं है। घंटों का काम आपका मिनटों में हो जाता है। मेरे लिए तो इसने बहुत सारी आसानियाँ की हुई हैं। मुझे जल्दी में कुछ भी बनाना होता है मैं इसमें कर लेती हूँ, तो मुझे ईजी लगता है। उसके बाद जी बच्चे मांग रहे थे खाना, मैंने अभी रेडी नहीं किया था, तो बच्चों को मैंने बना दिए थे पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न ओवन के अंदर भी बन जाते हैं, माइक्रोवेव में ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर डाल के मैंने बटर के साथ पॉपकॉर्न को इसके अंदर टाइमिंग लगा दी थी, 1 मिनट, 2 या 3 मिनट लगते हैं, उसके बाद ये पॉपकॉर्न रेडी हो गए थे। बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा इस तरह अगर आपने नहीं बनाए तो। तो जी बच्चे तो बिज़ी हो गए थे पॉपकॉर्न खाने में, मैंने ये जो गाजरें कद्दूकस की थी इसको थोड़ी देर वैसे ही पका लिया, ताकि जो इसके अंदर थोड़ी सी वेट सी थी ना वाटर की, वो मैंने फिनिश कर दी इसको पकाने से। उसके बाद मैंने इसमें मिल्क ऐड किया। मिल्क ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। मेरी 2 किलो गाजरें थी कद्दूकस करने के बाद, और इसमें मैंने 4 लीटर मिल्क डाल दिया था। तो ये बहुत अच्छी तरह से पकेगा। नारियल मंगवाया था मैंने अपने हस्बैंड से, तो वो चीज़ें लेके आए हैं, तो मैंने कहा चलें ये भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं कौन सी चाय पीती हूँ जी, हम लोग पीते हैं टपाल दानेदार, अच्छी चाय है। कौन कौन पीता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ग्रीन टी मंगवाई थी मैंने अपने लिए, और मेरे हस्बैंड 3 किस्म की ग्रीन टी ले आए, 3 फ्लेवर्स की, मतलब ये बच्चों के लिए। डिंग डोंग कोकोनट मंगवाया है मैंने ड्राई वाला, जो मैंने इसके अंदर डालना था। और ये अंजीर लेके आए हैं मेरे हस्बैंड, वो रात को इसको पानी में भिगो के सुबह अर्ली मॉर्निंग नहार मुँह खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और जी ये देसी घी मंगवाया है मैंने, ये जो ड्यू की फ्रेश क्रीम है ना, ये भी मैं इसके अंदर डालूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा, लाजवाब किस्म का, कि जैसे आपने पता नहीं इसमें कितनी मेहनत डाल के खोया डाला हुआ है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। तो जी ये देखें दूध इसका फिनिश हो गया था बिल्कुल पक पक के, इसकी ये हालत हो गई है बेचारी गाजरों की। तो जी ये जब दूध मैंने इसमें डाल दिया था, जब दूध आधा पक गया था, तो मैंने इसके अंदर क्रीम भी डाल दी थी। दूध और क्रीम के अंदर गाजरें बहुत अच्छे टेस्ट में बन गई हैं। अब मैं इसमें घी डाल के इसको भूनूंगी, और शुगर भी मैंने डाल दी थी तब पहले ही, ठीक है। अब मुझे अगर थोड़ी सी शुगर कम लगेगी तो मैं अब डाल दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। तो जी चीनी थोड़ी सी कम थी, तो मैंने 2-3 स्पून और डाल दी है, और मैं इसको बहुत अच्छी तरह से भुनाई करती जाऊंगी इसकी, जब तक इसका एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। ये देखिए जी हमारी गाजरें यहाँ पे मैंने इसके बाद डन होने के बाद, जब मैं सुबह डाल के रखने लगी थी तब मैंने ये वीडियो बनाई है। ये गाजरें माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से भुन गई हैं और पक चुकी हैं। नारियल और किशमिश वगैरह डाल के मैंने इनको डन कर दिया था। बहुत मज़े की बनी है, ज़रूर बनाइएगा, मेरे तरीके से भी बना के देखिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा दूध डाल डाल के इसको पकाएं, आप इसमें फ्रेश क्रीम 2-3 बॉक्स डाल दें या 2 क्वांटिटी के हिसाब से, तो भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। बहुत ज़्यादा घी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, और ये बहुत अच्छी बन जाती है। और जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो, हम लोग जा रहे थे डॉक्टर के पास विक्टोरिया, मैंने अपना चेकअप करवाना था। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था, वहाँ पे एक डॉक्टर बैठती है बहुत ही ज़बरदस्त है, गायनी डॉक्टर,
तो जी मैं वहाँ चेकअप के लिए जा रही थी, तो बच्चे भी साथ ही थे, तो वेदर काफ़ी ज़्यादा रेनी था रास्ते में, पूरे रास्ता हमें बारिश ही होती रही है हल्की फुल्की, और बादल बहुत ज़्यादा आए हुए थे, ऐसे डार्क हुआ हुआ था डे, जैसे ना शाम का टाइम है लेकिन ये डे का टाइम था। तो जी डॉक्टर को चेकअप करवाने के बाद हम लोग निकल गए थे अपनी फ्रेंड के घर की तरफ, क्योंकि वो भी यहीं पे रहती हैं विक्टोरिया में ही, उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया था इसलिए मुझे उनकी तरफ भी जाना था। तो हम लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ये सारा आर्मी का एरिया है, बहुत ही अच्छा एरिया बना हुआ है ये सब, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी है। तो जी जैसे पाकिस्तान में कैंट का एरिया, जहाँ पे सारा वो कैंट का जो एरिया होता है वो आर्मी के अंडर ही होता है, इसी तरह आप इसको भी यही समझ लें कि ये भी कैंट टाइप का एरिया है, यहाँ पे जितने भी आर्मी के रिटायर ऑफिसर्स हैं या जो नहीं रिटायर हुए मतलब उनकी रहाइश का है यहाँ पर। तो जी यहाँ पे हम लोगों ने विज़िट किया अपने फ्रेंड के घर पे, थोड़ी देर ही बैठे थे, उसने खाना रेडी किया हुआ था, खाना खाया, मैं वहाँ पे वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकी, बातों बातों में पता ही नहीं चला वीडियो का भी याद भूल गया। तो जी ये बात तो सच है, सुबह सुबह आपको बहुत फ्रेश सी ग्रीनरी नज़र आ जाए तो आप खुद भी फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद जी हम लोग खाना खाने के बाद वापसी के लिए निकल चुके थे, हमें रात हो गई थी, ऑलमोस्ट 8 बजे का टाइम था और हम लोग घर की तरफ निकल गए थे, 1 घंटे का ट्रैवल था, 1 आवर में हम लोग अपने सिटी में पहुँच जाएंगे। तो चलिए जी हम चलते हैं घर, और आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, कल एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।